हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देख सकते हैं आप लोग, ये है चिकन और ये मटन है और फ्राई हो चुका है। और ये है प्याज, इसको पीस पीस कर चुका। और ये है मटन मसाला, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद ये चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। ये चिकन को मैं फ्राई करके अभी रखी हूँ, हाफ अ बाइट मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद ये देख सकते हैं आप आगे, और देख सकते हैं ये बिरयानी चावल है जो अभी पक चुका है अच्छे तरीके से, इसलिए इसके डेगले पर रख। फिर देख सकते हैं इस अच्छा से पक चुका है, देखिए अच्छा ही पक गया। और ये मसाला है जो इसको मेरी मम्मी ने बनाई है पीस के, और ये कलर है जो डालेंगे, और ये है चिकन। और देखिए ये मसाला तो भुन जा चुका है, फ्राई हो गया है मसाला, और इस पे चिकन अब डालेगा। ये चिकन है, ये लेग पीस ये चिकन, और ये बिरयानी मसाला है, और ये बिरयानी मसाला है, और ये मटन मसाला, और ये बिरयानी चावल, बिरयानी चिकन, बिरयानी चावल है ये। और बिरयानी चावल के ऊपर मैं मसाला डाल रहा हूँ, मसाला, और फिर ये बिरयानी मसाला डाल दें। बिरयानी मसाला डाल चुके हैं, देख सकते हैं बिरयानी मसाला अब डला रहा है। और उसके बाद प्याज को भूंज कर डालना है, और इसको फिर सीजने के लिए रख देना, और इसमें चिकन डाल देना है। चिकन डला चुका है, चिकन डाल के उसके बाद फिर इसको बना रहे हैं मुस्कान दीदी। फिर इस बन रहा है। फिर ये है मटन, और ये बिरयानी ऊपर से फिर डालना है, फिर मसाला मतलब कलर इसका, और उसके बाद प्याज, फिर हो जाएगा। फिर आप इसको मिक्स करिएगा आराम से, मिक्स करके। ये मम्मी ने मेरे मिक्स कर रही है, मिक्स कर रही है। लोग आप लोग देख सकते हैं, ये आज की हमारी टेस्टी टेस्टी और यम्मी यम्मी बिरयानी अब बन चुकी है। और आज मैं इसे यम्मी टेस्ट करूँगी कि आज मेरी बिरयानी कैसी बनी है। ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, इसको मैं 10 मिनट्स ये भाप लगाई हूँ। उसके बाद मैं इसे अच्छे तरीके से, ये पक चुका है, काफ़ी सॉफ्ट बिरयानी और चिकन हो चुका था, काफ़ी सॉफ्ट एंड बिरयानी सो यम्मी एंड सो टेस्टी फुल बना था ये बिरयानी। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिए ये टेस्टी और यम्मी बिरयानी। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।